अच्छी क्वालिटी में ये हमारा ड्रायर जो मशीन है वो रेडी हुई है, जिसमें इसमें जो है 350 वॉट की हैवी एग्जॉस्ट फैन का यूज किया गया है, जो कि क्रॉपटन कंपनी का इसमें मोटर जो है एग्जॉस्ट मोटर लगाया गया है, जैसे कि इसके बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे हैं। और इसमें सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इसमें 16 एम्पियर के यहाँ पे ये स्विच लगे हुए हैं। सो फिर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ये जो एयर है वो काफ़ी हैवी है, जिससे क्या होता है कि हमारी अगरबत्तियाँ बहुत जल्दी मतलब लो मेंटेनेंस में कम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में ये आपकी अगरबत्ती सूख जाएगी। आगे आप देखोगे तो इसके हवा की वजह से जो पंडाल लगे हुए हैं ये भी उड़ना जो है स्टार्ट हो गया है। प्लेट यूज़ किया गया है जिसके वजह से एयर का जो दबाव है वो पूरी तरीके से बना रहता है। अरे जो कैरेट्स हैं यहाँ पे बन के रेडी हुए हैं। सोलो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप सामने देख पा रहे होंगे फ्रंट में आपको ये ड्रायर मशीन दिख पा रही होंगी, और इसके जो है बेसिक डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये हमारा ड्रायर जो मशीन है वो रेडी हुए, जिसमें से आप 18 से लेके 100 केजी तक का ड्राई जो है अगरबत्तियाँ ड्राई कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरीके से यूज़ हुई हैं उसका पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए। जिस तरीके से ब्लू प्रिंट्स में आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी, और सबसे पहले मैं मोटर की बात करूं, तो इसमें जो है 350 वॉट की हैवी एग्जॉस्ट फैन का यूज़ किया गया है, जो कि क्रॉपटन कंपनी का इसमें मोटर जो है एग्जॉस्ट मोटर लगाया गया है, जैसे कि इसके बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे। सो फिर कुछ इस तरीके से इसमें हेवी एग्जॉस्ट का यूज़ किया गया है, जिसमें से एयर जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी हैवी होती है और काफ़ी हाई होती है, जिसके कारण से हमारी अगरबत्ती बहुत जल्दी इसमें ड्राई हो जाती है। कुछ इस तरीके से आपको ये कैरेट्स देखने को मिलेंगी। अभी ये हमारा जो मशीन है ये है 8 कैरेट्स की, इसमें कवर्ड होगी 8 कैरेट, इसमें आप आसानी से अगरबत्ती सुखा सकते हैं। और इसमें सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इसमें 16 एम्पियर के यहाँ पर ये स्विच लगे हुए हैं, और कुछ इंडिकेटर्स भी यहाँ पे आपको शो होगा, और कुछ इस तरीके से मैं अभी इसे स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। सो फिर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ये इसमें फैन का जो एयर है वो काफ़ी हैवी है, जिससे क्या होता है कि हमारी अगरबत्तियाँ बहुत जल्दी मतलब लो मेंटेनेंस में कम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में ये आपकी अगरबत्ती सूख जाएगी, चाहे किसी भी तरीके का मौसम हो, बारिश हो, ठंड हो, और गर्मी के टाइम पे तो और बहुत जल्दी सूखेगी। आगे आप देखोगे तो इसके हवा की वजह से जो पंडाल लगे हुए हैं ये भी उड़ना जो है स्टार्ट हो गया है। और कुछ बताने की मैं कोशिश करूँगा, यहाँ पर आपको ये हैवी कैरेट्स जो है देखने को मिलेंगी, और बाय द वे आपको कैरेट्स की खाली रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप बनवा सकते हैं। और नीचे मैं आपको और कुछ दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे एक मेटल प्लेट यूज़ किया गया है, जिसके वजह से एयर का जो दबाव है वो पूरी तरीके से बना रहता है। और ये हमारा फ़ैन जो है सीधे की दिशा पे है, क्योंकि इसका एक बेसिक जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। क्या होता है, जब हमारी अगरबत्तियाँ चारों तरफ कैरेट्स में रखी होती हैं, सो जब एयर का कंबशन होता है तो नीचे से लेके ऊपर तक का होना चाहिए, जिसमें क्या होता है हमारी अगरबत्तियाँ बहुत फास्ट और बहुत जल्दी जो है सूखता है। और इसके कैरेट के साइज आप देख पा रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से इसके साइज आपको देखने को मिलेंगे। बेस इसका 6 इंच का इसकी चौड़ाई होती है, और लगभग लगभग 12 से लेके 24 इंच की इसकी लंबाई होती है, जिसमें से हमारा जो है लगभग लगभग अगर मैं गीली अगरबत्ती की मैं बात करूं तो वो 18 से लेकर 20 केजी तक कवर करेगी, और ड्राई होने के बाद 12 केजी सपोज इसमें कंप्लीट कवर हो जाता है। और पूरा प्रोसेस मैं बताऊं तो इसमें लगभग लगभग जो है हमारा 80 से के लेकर 100 केजी तक की अगरबत्तियां सूख जाती हैं, और नीचे भी इसके स्टैंड्स बने हुए हैं, किसी भी जगह पे आपको रखने में काफ़ी इजी और सुविधा देखने को मिलेंगी मिल जाएंगी। और काफ़ी सारे जो कैरेट्स हैं यहाँ पे बन के रेडी हुए हैं,
और इसमें से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और फिनिश वेल्डिंग के साथ में ये चीज़ें जो है रेडी की गई हैं। और इसी के साथ जो है काफ़ी सारे वर्क भी यहाँ पे भाई लोगों का होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इनका वर्क फुल फिनिश जो होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और एक्सपीरियंस होल्डर बंदे यहाँ पे काम करते हैं, जिसके वजह से आपका जो भी मशीनरी हो गया या फिर जो भी चीज़ें हो गया वेल्डिंग वर्क से रिलेटेड, वो काफ़ी रिलायबल बनेगी और जो भी आपके इक्विपमेंट होंगे वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये भाई लोगों की वजह से ही ये सारी चीज़ें बनी हुई है। और जो है इसके साथ साथ एक मशीन और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये मिक्सर मशीन और ये हमारा ड्रायर मशीन, जो कि कम्प्लीट ये हमारे अभी के टाइम पर एक पार्टी का कम्प्लीट ऑर्डर है और दोनों चीज़ें जो है लोडिंग के लिए गाड़ी भी हमारी रेडी हो गई है। सो और इसमें आपको अलग अलग साइजेस के जो है ड्रायर फैन भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मैं बोलूँ तो अभी 8 कैरेट्स के हैं, इसमें 12 कैरेट का भी साइज़ आपको मिल जाएगा, और चाहे तो आप 80 केजी हो गया और 120 150 200 केजी तक की अगरबत्ती ड्राई करने के लिए ड्रायर फैन बनवा सकते हैं, अपने हिसाब से अपने कस्टमाइज करके भी चीज़ें जो है कंप्लीट आपको बनी हुई मिल जाएंगी। इसके पूरे डिटेल्स जानने के लिए आप हमें हमारे नंबर जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ड्रायर फैन से रिलेटेड और मिक्सर मशीन बेस प्रीमिक्स बनाने की मिक्सर मशीन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरीज हो तो आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं।